सो फिलहाल हम लोग नदी के करीब पहुंच चुके हैं और ये देखो ये वाला पड़ाव पार करना है हम लोग को, तो सब धीरे धीरे पार कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। तो अभी आदित्य जी क्या कह रहे जा रहा है इसको, इसको साफ करेंगे क्या क्या, एंड अभी नीचे से पानी निकाला जाएगा। कसम से यहाँ पे पूरा जितना दूर तक देख रहा हूँ ना पूरा पानी भरे रहता है यहाँ पूरा। सो फिलहाल गाइस हम लोगों का खाना पीना रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे देखो सो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी दोपहर का टाइम है एंड अभी हम लोग सारे गांव के जितने भी लड़के लोग हैं सब मिल के जा रहे हैं एंड इधर देखो गाइस बड़े पापा आ रहे हैं, तो बड़े पापा अपने कॉल पे मस्त हैं ठीक है। तो अभी सारे लड़के देखो सारे लड़के जितने भी गांव के लड़के सब जा रहे हैं एकदम मुँह पे गमछा लगा के ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे से पिकनिक मनाने। तो अभी ये जो प्लानिंग हुआ है हम लोग चिकन लेके आए बाहर से ठीक है, उसके बाद कढ़ाई वगैरह घर से ही लेके जा रहे हैं, चावल वगैरह उतना भी चावल नहीं क्योंकि दोपहर में हम लोग ने चावल खा रखा था, बट फिर भी लेके जा रहे हैं क्योंकि होता है ना। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं और अभी जाके आग लगाना होगा उसके बाद हम लोग जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। आप आए हैं? आप आए जी? हाँ जी। घर तो बताइए, यही लोग सदस्य है यहाँ के और हम ही इन लोग को पूछते आप आए। तो चलो गाइस चलते हैं। ये हीरो हीरा लाल बोलो पापा। और उतना दूर मतलब जितना आए उससे और उतना दूर, शाम के टाइम में तो और अच्छा लगेगा सनसेट टाइम। तो हमको तो इधर का लोकेशन पता ही नहीं था कि घर का जस्ट ऑपोजिट भी ऐसा मस्त लोकेशन है भाई। आग आप लगाइएगा। क्या चाइनीज जी? हम कुछ नहीं करेंगे। आप खाइएगा? सिर्फ खाएंगे। और आप भूंजेंगे? तो गाइस सबका बटा हुआ है, कोई भूंजेगा तो कोई थाली धोएगा फिर लेके भी आएगा। और इधर हमारे डांसर साहब डीओ लवर, बस तो ये क्या करेंगे पता नहीं, बस हम लोग को जाके वहाँ पर चूल्हा बनाना है। चूल्हा बनाएंगे हमारे डीओ लवर चूल्हा बनाएंगे। और एसकेएम फिलहाल हम लोग नदी के करीब पहुंच चुके हैं और ये देखो ये वाला पड़ाव पार करना है हम लोग को, तो सब धीरे धीरे पार कर रहे हैं। ओ भाई ठीक ही है, उतना वैसा कुछ नहीं है गाइस, ठंडा है। फाइनली हम लोग नदी पहुंच चुके हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाय गाइस हम लोग फाइनली नदी पहुंच चुके हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं। ये तो गर्मी का सीजन है गाइस, अगर ये ठंडा का सीजन होता ना भाई कसम से यहाँ पे पूरा जितना दूर तक देख रहा हूँ ना पूरा पानी भरे रहता है यहाँ पूरा। तो अभी आदित्य जी क्या कह रहा जा रहा है इसको, इसको अभी इसको साफ करेंगे और इससे पानी निकालेंगे एकदम मस्त। अच्छा नीचे से? हाँ। ओ तो गाइस यहाँ पे पानी पहले से जमा हुआ था तो अभी इसको साफ किया गया एंड अभी नीचे से पानी निकाला जाएगा। धीरे धीरे इकट्ठा होगा ठीक है, देख रहे हो धीरे धीरे हो रहा है। लकड़ी गिराया जा रहा है ऊपर से, लकड़ी जुगाड़ किया गया है। सो फिलहाल गाइस अभी हम लोग आग ही भी जला लिए हैं और उस जगह देखो तेल भी गर्म कर रहे हैं। ये देखो इसमें तेल गर्म हो रहा है, इसमें अभी पानी गर्म हो रहा है, इसमें चावल चढ़ाया जाएगा ठीक है। और इधर चावल धो रहा है एसकेएम, इसमें हम लोग प्याज लहसुन, भाई साहब गोटा लहसुन का डाले हैं जी, गोटे लहसुन डाला, मजा आएगा पता आपको। तो ऐसे डायरेक्ट पूरा गोटा लहसुन उसको अलग नहीं किए, अलग उसमें अभी डाला है इसमें। तो गाइस अब चिकन डाल रहे हैं हम लोग, फाइनली अब हम लोग चिकन डाल रहे हैं। अभी पत्ता लगाया गया है खूब सारा, इसको क्या करना है जी? तोड़ रहे हैं पत्ता। इसको करना क्या अभी? कुछ नहीं करना।
बताइए जी क्या करना है छोटे भैया पत्ता का। इसमें पत्ता लपसी आएगा खाने के लिए। तो इसको फोल्ड क्या कर रहे हैं? देसी जुगाड़। इसको ऐसी पत्ता में तोल के उसको पकाया जाएगा। हर चिकन को? नहीं नहीं बस ये कलेजी को। सब बन सकता है। चावल डबक रहे हैं अब इसको। तो गाइस अभी मसाला डाल रहे हैं अपन। डलवा ऊपर से। तो गाइस उसमें कलेजी है इसके अंदर। पूरा जल गया इसके अंदर। देखो कलेजी है। तो हमारे गरीब बॉय यहाँ पर हम लोग का सेवा करते हुए चिकन बना के देख सकते हैं। कभी ऐसा घर में बना है जी? कभी बना है? कभी कभी चलाए करते चटुआ। जल्दी करें। देखिए हम तो फिलहाल गाइस अभी पीछे देख रहे हो आप माण पसाया जा रहा है। हाँ। हाँ। अच्छा हाँ तो भात पसाया जा रहा है। ठीक है। सो फिलहाल गाइस अभी अपने कल्चरल में आ चुका हूँ। देख लो पूरा ट्रेडिशनल लुक। ट्रेडिशनल लुक तो नहीं बोलेंगे बट ये पत्ता और ऊपर का पगड़ी यही दर्शा रहा है। एंड ये देखो गाइस अभी हम लोग पत्ता का बनाए हैं। इसमें चिकन रखाएगा। एंड ये ब्रो जो है पूरा टैलेंटेड है। वो देखो थाली भी बना के रखा है पीछे में। तो इतना दिमाग है हम लोग के पास। ठीक है जंगल में रहके खा सकते हैं। हाँ जंगल में हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। भाग दौड़ सकते। चावल चेक करो गाइस मस्त एकदम। सो फिलहाल गाइस हम लोगों का खाना पीना रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो तो इसको बोलते ढकनी, इसको बोलते गिलास और इसको बोलते टोंगा थोंगा। ठीक है तो अभी चलो खाना के लिए स्टार्ट करते हैं। एंड वो रहा अपना चिकन एकदम मस्त लग रहा है भाई साहब। इधर भी एक चावल निकला हुआ है, उधर भी एक चावल निकला। उधर समझ नहीं आ रहा है चावल है या क्या। फिलहाल इसी में चिकन वगैरह डाल दिए हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो भैया तो डिनर है। डिस्पोजल का कहां है साहब? अगला कहां है ना डिस्पोजल है? तो चावल और तो आप ने लो जो एन का डिस्पोजल का ये आई लो। मेरा तो खाना पीना हो चुका है। थोड़ा इधर ही वॉक कर रहा था एकदम मस्त। एंड पीछे नेचर चेक करो। एंड यहां से देखो गाइस पूरा दूर दूर एकदम पूरा। जब बारिश होता ना तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है गाइस समझ रहे हो। और यहाँ से जो नेचर है ना बहुत प्यारा लग रहा है गाइस बहुत प्यारा। होपफुली आप लोग ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए होगे। गाइस हम लोग पिकनिक हो चुका है। पैकिंग वुकिंग सब हो चुका है। पैकिंग वगैरह सब डन। एंड शाम का टाइम हो गया। सब देखो चल रहे हैं अभी घर वापस से। और सनसेट भी हो गया तो यहाँ रुकना ज़्यादा सही नहीं है। तो चलो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। अब हम लोग घर की ओर रवाना करते हैं। सोच रहे कि गाइस आज का ब्लॉग भी बस यहीं तक रखते हैं। आज आप काट ले वहाँ जाके। हाँ एंडिंग कर देना। हाँ सो बस आज का ब्लॉग भी बस यहीं तक रखते हैं। एंड होपफुली आप लोग को एंजॉय किए होंगे ये ब्लॉग। सो मिलते हैं इससे भी अच्छे ब्लॉग में। एंड बाकी आप लोग को क्या करना है ब्लॉग को। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। So till then till subscribe bye